यहाँ पे आग लग गई है, आग लगे बस्ती में, फातिमा अपनी मस्ती ऐसा खूब सारा ले लिया। बहुत ठंडा, मैं गलती करी नहीं, अधिक अधिक बाजुआ पा के आई आने बच्चे मुंडे भी सी नच। सड़ गया मेरा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज इतना प्यारा मौसम हुआ है यार, और मैंने सोचा है कि राबिया की यूनिवर्सिटी में आज कवाली नाइट है तो मैं उसके लिए फौरन से रेडी हो गई हूँ। आज हम लोग वहाँ चलते हैं जाकर के मस्ती करते हैं। बहुत फिट किस्म की हवा चल रही है यार, तो फिलहाल चलते हैं जाकर के नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद सूर्य हाथ देखते हैं क्या है। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये मैडम स्टिल यहाँ पर तैयार हो रही है। पता है ना 5 बजे गेट बंद हो जाने हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के। मैं दिल्ली नहीं कर रहा जाने को, पता नहीं क्यों। तो मत जाओ, मैं और जैनब चले जाते हैं। बड़ी चलाक है। इतना ज्यादा राबिया तुमने यहाँ पे मेकअप का गंद डाला हुआ है यार। ये मेरा बैग यहाँ अंदर किसने फेंका गंदा होने के लिए? और ये जैनब कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, उसने नहीं जाना। ड्राइविंग सीखने गई है इराबी के साथ। और मामा भी उसके साथ गई है। दोनों मेरे से पहले सीख रही है ड्राइविंग। 5 बजे गेट ने बंद हो जाना है और 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। मैनू नहीं समझ आन डिया इन्हों के बिचो केड़ी कड़ी पावा। काली पा लेनी काली जड़ी है वो बहुत ही वधिया लगन रही है। पहले तो जरा मुझे एक बात बता, तूने ये वर्ड कहाँ से सीखा है? लमका लमका के, लमका लमका के, ये तो ठेठ पंजाबी का वर्ड है। कहाँ से सीखा है? लमकाने को लंबा लंबा कहते हैं, सीख लिया मैंने। देख लिया था कोई नहीं आ रहा, इतना डांटा कि मैं डर गई हूँ। ठीक है कोई भी नहीं आ रहा था, तुम्हें पता है आगे से थोड़ी देर बाद क्या है, इतना बड़ा ट्रक। थैंक यू सो मच। नहीं मैंने ड्राइविंग सिखाई, मैं भी बात नहीं। ज़ैनब इस टाइम फेक मक्खन लगा रही है। और हाँ, जाने से पहले मम्मी आपको पता है ना वहाँ पे कार्ड नहीं चलता। इस हथेली पे आप पैसे रख दें। इतने पैसे नहीं है देने के लिए, बस इतने से हैं। मामा 500 रुपए में उधर से क्या आता है? कुछ भी नहीं, एक खाली जूस भी नहीं आता 500 रुपए का। यार मामा 10,000 तो देना। डॉक्टर कौन खाता है, पकड़ बच्चों की इतना ही खर्चा मचा। मामा ये 2500 रुपए का यकीन करें वहाँ कुछ नहीं आता। 2500 ही एक बंदे का है, पर हेड 2500 ही होता है। चलो चल मेरा पता। मामा अम्मी बहुत है पैसे दे दे, उठे जाके मैं चीजी खा ली है। अगर दूसरियां दोने भी आ जाना कि मैंने भी दे तो उन्होंने भी देने हैं। मामा 1000 ही दे दे, 1000 ही दे दे, जैसे मर्जी दे दो, बस पैसे होने चाहिए। मामा पकड़। चलो भाई 2000 की और मामा से चट्टी मार ली है। पैसा खूब सारा ले लिया, इसकी जाके ऐशी करते हैं आज। थैंक यू, लव यू। ना 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 ना, छोड़ो 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 छोड़ो, अपने पैसे खुद लो मामा से जल्दी। ओए होए होए, राबिया के बैग में तो यहाँ पे पूरी सेल चल रही है भाई पैसों की। सब कहते हैं कि जब हम सब एक जगह जाते हैं तो क्यों नहीं जाती हो? जैनब ये सारे इसके ना जाने के और घर रुकने के बहाने हैं इस लड़की के। चेक कर लो, बुखार है मुझे। मामा हाथ सड़ गया मेरा, हाथ सड़ गया। कल इसने वो गोल्डन वाली पहनी थी, आज ब्लैक वाली पहनी है। सारी घड़ियां मेरी नई की जा रही है मुझे नहीं, मैंने अभी एक दफा भी नहीं है पहनी, उतारो अभी तो ना पहने। मैंने शेयरिंग करके, अच्छा इस इवेंट पे पहने तो अगले इवेंट पे दे दूंगी पक्का, अगले इवेंट पे नहीं पहनूंगी। तो मामा आज नाश्ता नहीं देना फिर? जा रहे हैं ना, पैसे दे रही है ना, तो जाके खाओ और बस गंद नहीं खाना। चलो भाई खैर उधर से कुछ खाते हैं, खाना पीना आपको दिखाते। तो यार अब जो कवाली पे जाना है ना, उसका सीन कुछ ऐसे है कि मेरे पास कोई टिकट विकेट नहीं है। मैंने ना बस एक कॉल करवाई है अपने कजन से कि मेरी एंट्री आप करवा देना, ठीक है? अब जो है ना गेट पे जाके देखते हैं कि मेरी एंट्री होती है कि नहीं। कल मैंने स्लीवलेस पहना था और आज इन दोनों ने स्लीवलेस पहना हुआ। लिटरली तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। नो ब्यूटी के सामने देखो ठंड क्या होती है। सो वी आर रेडी टू लीव, गो टू द कवाली नाइट। कवाली नाइट पर जा रहे हैं तो चलो चलो लेट्स गो गर्ल्स। अगर किसी को ठंड लगी ना वहाँ पे तो अपना रिस्क है लड़की हो तुम लोग। और ये मुझे जूते गिफ्ट मिले थे, मैंने ये जूते पहने और साथ में लिया बैग और ये ब्लैक। गाइस मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जूते आप ये गंदे करके लाई ना तो फिर जाएगा। मेरी एंट्री जो है ना बहुत ही स्मूथ तरीके से होगी। मुझे था कि बड़ी मुश्किल होगी लेकिन जरा से भी मुश्किल नहीं हुई। फातिमा के लिंक्स ही बहुत है यार, हमारे हालांकि कार्ड चेक हुए, फातिमा को चेक ही नहीं होना जाए। ये लोग कार्ड से आई है और मैं कॉल से आई हूँ। तुम लोग ठंड लग रही है जो कर रही है, बहुत ठंडा, मैं गलती कर दी आकर। यहाँ पे जो है बच्चे लिख लिख के नोट्स पे कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। राबिया ने ये वाला एस्ट्रोलॉजी लिखा है। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे, इतना गंदा राइटिंग से लिखा है। ठंड बहुत लग रही है, मुझे चाहिए था, मुझे कवर पहन के आना चाहिए था। एस्ट्रोलॉजी फातिमा, एस्ट्रोलॉजी ज़ैनब का फ्लॉप है। एस्ट्रोलॉजी ज़ैनब, और ये क्या लिखा है, या ज़ैनब बिग फैन मैम, ये इसने लिखा है और ये ज़ैनब ने। अब अगला मूव करते हैं। तो यार फिलहाल इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी में बारिश स्टार्ट हो गई, अभी हम एंटर ही हुए थे। ये देखे एक तो यूनिवर्सिटी की सारी लाइट बंद हो गई है और ऊपर से इतनी सारी यहाँ पे बारिश होना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये नहीं कि बहन से भी पूछ ले कि क्या तुमने कुछ खाना है। तुम्हारे लिए मंगवाया था, ये खा लो तुम भी हमारे साथ।
पिंक से कलर का खाना है कुछ क्या मसला है? नहीं यार, मैंने आधा घंटा लगा के अपने बालों को कर्ल किया था, बारिश की वजह से मेरे सारे बाल खुल चुके हैं और ये दोनों मेरी सिचुएशन पे हंस रही हैं। और रात से कपड़े निकाल रही थी, रात से कपड़े निकाल रही थी कि मजा आएगा, फन करेंगे। मुझे इस टाइम रोना आ रहा है लिटरली, यहाँ पे तो इतना पानी इकट्ठा हो गया। आज मैं गुस्सा पहन कर आऊंगी, इसका सारा गुस्सा आज गीला हो जाएगा और मेरे बेचारे जूते भी आज गीले होने वाले हैं। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, आज लाइट भी चली गई है ऊपर से। मैं यहाँ पे आके छुप गई हूँ एक जगह पे, मुझे नहीं पता, बहुत हॉरर सी लग रही है। ये कोई ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ से कोई नीचे भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई और सब बच्चों को यही है कि हम जो है ना किसी जाके बिल्डिंग में छुप जाएं यूनिवर्सिटी की। इवेंट जो है ना बस अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं तो खैर छुप गई थी। अब बच्चों का शोर देखे कितना ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इवेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उनको खुशी हो रही है ना, हमने भाई टिकटों के पैसे जैसे भरे हैं तो इवेंट तो होना चाहिए ना। ये क्या बारिश की वजह से प्रोग्राम ही बढ़ जाए एकदम। यार अंदर वाले एरिया में चलते हैं जहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और जहाँ पे कवाली होनी है। अंदर चेकिंग करवाओगे तुम्हारे बैग में बॉम्ब तो नहीं है? वो जैनब का बैग चेक कर रही है, वो अंदर दुपट्टा भरा हुआ है। ये ऐसी लड़कियां होती है घर से दुपट्टा लेके आती है फिर बाद में बैग में डाल देती है। पहले हम सोच रहे हैं पेट पूजा कर ले, उसके बाद जब कवाली स्टार्ट होगी ना कवाली से हम एंजॉय करेंगे। अंडे वाले बर्गर, अंडा वाला बर्गर खाऊंगा। मैंने बारी बारी सोचा है जो जो स्टॉल होगा ना मैंने खाना है यहाँ से। क्या मजे के जो है वो लग रहे हैं बर्गर। मैं आज और चीजें खाऊंगी, मैं साथ साथ आपको उसके रेट भी बताऊंगी। यहाँ से हमें अंडे वाला बर्गर मिल रहा है 300 रुपए का। एक बर्गर ले लिया हाफ जैनब का हाफ मेरा, डैडी शवरमा पे हम लोग आ गए। कह रहे हैं अपने अब्बा जी का ही शवरमा समझो, फ्री देंगे फिर अगर हमारे जी नहीं। 350 का एक हमें यहाँ से शवरमा मिल रहा है। हम हर चीज थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से पेट में भी जगह भी तो रखनी है। एक आप दे दे, आधा आया मेरे हिस्से में। यम 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 यम। हम लेते हैं स्पाइरल पोटैटो, ये भी बहुत मजे का लग रहा है। आलू लवर जो है ना वो यहाँ पे कमेंट करके जरा जरूर बताएं। ये हमारे यहाँ पे स्पाइरल पोटैटो रेडी हो गए हैं, 300 रुपीज के मिले हैं हमें ये स्पाइरल पोटैटो। अब जैनब और मैं जो है इसको आधा आधा करके खाएंगे, जैनब की फ्रेंड भी हमारे साथ खाएगी। जैनब की आंख में बहुत बुरे तरीके से मसाला जा चुका है, खत्म हो गया। तुम कहाँ थी, हमने इतनी चीजें खाई है। यहाँ पे आग लग गई है लेकिन जैनब यहाँ पे मेरा ख्याल चाय या कुछ बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है, रुको देख लेना। आग इतनी लगी हुई थी मुझे लगा अंदर पता नहीं कि अभी खैर पास्ता जो है वो रेडी शेडी हो रहा है। जैनब की फ्रेंड ने जैनब को एक ये ब्रेसलेट लेके दिया, ये परमानेंट है, खाना पेट में जाके गायब हो जाता है। यार दिल वाला बर्गर जो है ना वो 350 रुपीज का है और वो ये है, ये टूटे हुए दिलों के लिए है। देखो जरा, देखो तो सही कितना क्यूट है। दिल जुड़े बिना ही टूट गए। बारिश की वजह से भाई आज मुशरा का प्ले भी कैंसिल हो चुका है, बहुत अफसोस हुआ। बेचारा बच्चा क्यूटू। राबिया तुम हमारे साथ कोई चीज क्यों नहीं खा रही हो? मैंने कौन, तुम लोग जो खिलाओ वो खाऊंगी, खिलाओ कुछ अच्छा मुझे फिर। अब हम खाएंगे पराठा रोल, देखकर यार मुंह में पानी आ रहा है। नम 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 नम। जो पराठा रोल है ना ये हमें मिलेगा 500 रुपीज का भी, हम एक ऑर्डर करते हैं उसके बाद खाकर देखते हैं। आज जो है ना हमने भाई हाथ रखी है हर चीज को खाने पे। मेरी जो घर वाले ना वो आपके फैन हैं तो उनकी मेरे नेटवर्क नहीं आ रहा, फिर बात करवानी थी। तो भाई इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना वो पराठा रोल दे दिए, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। थैंक यू सो मच। तुम लोगों को पता चला ये पराठा रोल हम लोगों को फ्री मिले है? पराठा रोल के साथ ये पीछती तो बनती है ना, ठंडी ठंडी। अब साथ हम पीछती पीते हैं, पीछती मैंने लिया पीतूरा है, बड़ा तो चला कर। इतना नमकीन खाना खा लिया, इसके बाद मीठा तो बनता है ना यार। चाचा जी सानू वफल ला दो, 600 का फुल, 600 का फुल, फुल वफल दे रहे। महंगाई होगी, मैं तो एक साल बाद आ रही हूँ। जो जो व्लॉग देख रहे हो, जो चॉकलेट लग रहा है ना उसके तो मुँह में ऑलरेडी पानी आने वाला है। ये देखिए ये इतना मजे का भाई, हमारा वफल आ चुके हैं। नैप की पड़ जाती है लड़कियों को फौरन ही यार। मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। राबिया जैनब को मैंने अंदर उनके दोस्तों के साथ छोड़ दिया, राबिया के तो फिर फ्रेंड थे, जैनब की भी एक फ्रेंड थी, बट मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं आया हुआ था। मैंने सोचा कि यार चाय लेती हूँ और आराम से आ करके ना अकेले बैठ के इधर चाय पीते हैं, साथ साथ मौसम का मजा लेते हैं। गर्मा गर्म चाय और उसके साथ यार जो ये व्यू देखने का मजा है ना, वो मजा ना, अंदर जो कॉन्सर्ट हो रहा है, अंदर इतना शोर शराबा चल रहा है उसका मजा ना। वो कॉन्सर्ट उस साइड पे चल रहा है और मैं इधर हूँ, आग लगे बस्ती में, फातिमा अपनी मस्ती में। अंडे वाला बर्गर लेती हूँ,
फिर हम मामा को भी बहुत अच्छा लगता है, तो इवेंट तो भी बोरिंग हो गया अंदर से, अब हम चलते हैं बर्गर शर्गर लेने, फिर राबिया जाने पे यहाँ पे वेट करते हैं, फिर घर चलते। बर्गर मैंने ले लिया है मामा और हिरा के लिए, अब घर जाके उनको टेस्ट चेस्ट करवाएंगे। खत्म इवेंट, बस खराब नहीं बहुत खराब हो गया। हाय बाजी सारा इवेंट खत्म हो गया, मुक चले थे हुन असि चले कार। मैं क्या के ए औरत ते बनना जरूरी है, इस तो बिना कहन जैसे फंक्शन एंजॉय कर सकते। इस औरत ने मेरा दुपट्टा लेता है। हाय नहीं अद्दिया अद्दिया बाजुआं पा के आईयां ने, विच मुंडे भी सी ते नाच नाच उछलन डईयां असि, विच उन्हां नूं शर्म ही आ रही नहीं है। हां पीजियां करन डईयां ए बर्गर लिया भैन वास्ते भी बर्गर लिया मैं जी सच है इन्हू फिर मिर्चा लग दया ने जड़िया स्पाइस नी होंदिया इन्हू लग दया गुतड़ी बना के कितने चली है खरे गुतड़िया आई नी मां नदिया नी हम सारा फंक्शन खत्म हो गया हम चलने कैमरा कर गंदी की पंजाबी आंदी है तेनू। हम लोग घर पर आ चुके हैं और मामा के लिए हम लेकर आए हैं अंडे वाला बर्गर। थैंक यू, कितना ख्याल है मेरी बेटी को। फिर भी मैं कहती हूँ बर्गर शर्गर खाएं आज के दिन अंडे वाला वो भी। ये क्या करके आई है? ये देखें बारिश की वजह से मेरी सारी जीन्स गंदी हो गई है यहाँ से। उफ़ल्ला पता नहीं है सर्दियाँ की तो जान छड़नी है बार बार आ जाती है। और मामा आपको पता है इतना फारिग फंक्शन था वहाँ पे, खाने के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं था, बस मैंने और जैनब ने खाने ही खाए हैं वहाँ पे। वहाँ रुकते तो नहीं रुकना, तो ऐसे ही ठीक है फिर, खुद ही मर्जियों से जो कॉन्सर्ट देखने ट्रॉलियाँ देखनी है तो जाओ फिर देखो। फारिक 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 फंक्शन, मुझे जरा मजा नहीं। और बारिश ने जो है ना वो फंक्शन को डुबोने में चार चांद लगा दिया। सो गाइस होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।